खबर मुंबई से, जहां बांद्रा वोली सीलिंग पर तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार कार ने टोल प्लाजा पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हादसा तब हुआ जब कार वर्ली से बांद्रा की ओर जा रही थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस यह हादसा कैसे हुआ इसकी जांच कर रही है, साथ ही पुलिस सीलिंग पर लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। देश भर में दिवाली की तैयारी की जा रही है। सूरत की बात करें, यहाँ पर बच्चियों ने टीचर के साथ राम मंदिर के थीम पर विशाल रंगोली को तैयार किया। सूरत के मॉल में राम मंदिर की थीम पर विशाल रंगोली बनाई गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ राम दरबार बनाया गया है। खास बात यह है कि रंगोली बनाने में छोटी बच्चियों ने अहम रोल अदा किया है। राम मंदिर की थीम पर बनी रंगोली सूरत में लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। 25 से 26 घंटे में इस खूबसूरत रंगोली को तैयार किया गया। दिवाली से पहले देश भर में जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। तो अयोध्या में कल दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो कैसी दिख रही है राम की नगरी, देखिए 30 सेकंड में खबर। दिव्य भव्य दिवाली से पहले भगवान श्री राम की नगरी रोशनी में सराबोर है। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की झलक दिखने लगी है। सरयू के घाटों से लेकर रामनगरी के हर चौराहे तक भव्य सजावट की गई है। कल प्रभु श्री राम का नगर एक नए रिकॉर्ड का भी गवाह होगा। सरयू के घाट इस बार 24 लाख दियों से जगमग होंगे। दीपोत्सव की झलक शहर में 23 अलग अलग जगहों पर LED के जरिए भी दिखाई जाएगी। तो आज धनतेरस है और मंदसौर में भक्त शिव जी के साथ कुबेर जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर अगली रिपोर्ट में। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। MP के मंदसौर में पश्चिमुखी कुबेर प्रतिमा के मंदिर में धनतेरस पर खास पूजा का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये मंदिर करीब 1500 साल पुराना है और विश्व का एकमात्र ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें कुबेर के साथ साथ शिव प्रतिमा भी विराजित है। कहा जाता है कि ये चमत्कारी मंदिर यहाँ बनाया नहीं गया बल्कि उड़कर आया है, क्योंकि इसकी नींव नहीं है। दिल्ली में जहां बारिश हुई है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी किस तरीके से हुई है, तस्वीरें देखिए अगली रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शोपियां में सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। सड़क पर फिसलन के कारण वाहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुलमर्ग में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा ताजा बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। प्रशासन मुगल रोड पर मशीनों द्वारा बर्फ हटाने का काम कर रहा है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब के संगरूर से, जहां पर पराली जलाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पराली जल रही है, जिससे आसमान में धुआं उठ रहा है और यही धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बनाता है। तो वही मौके पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से पंजाब के संगरूर से तस्वीर आ रही है। पराली के जलने से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार परेशानी का सबब साबित हो रहा है। फिलहाल ये जलती पराली किस तरीके से आसपास में धुआं और स्मॉग का जो हाल है उसको बढ़ाती हुई। इरबिल में अमेरिका के एयरबेस में भीषण आग लग गई, लेकिन स्थानीय मीडिया का कहना है कि ड्रोन अटैक के कारण ये आग लगी है। आग की ऊंची ऊंची लपटें और ये धुआं,
तस्वीरें हैं इराक के इरबिल की, जहां अमेरिका की एयरबेस में फ्यूल स्टोरेज एरिया में भीषण आग लगने से यह हादसा हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक कथित ड्रोन अटैक के बाद ये आग लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीर एयरबेस पर दो आत्मघाती ड्रोनों द्वारा हमला किया गया था और इस हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन ने ली है। तो इसराइल ने हमास के खात्मे की कसम खा रखी है। गाजा के अलावा अब वेस्ट बैंक में IDF कार्रवाई कर रही है। उत्तरी गाजा में कब्जे के बाद अब इजरायली सेना वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हथियारों से लदे इजरायली सेना के वाहन वेस्ट बैंक में घूम रहे हैं। इजरायली सेना ने आज वेस्ट बैंक के शरणार्थी कैंप में भी कार्रवाई की और हमास के 10 आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया, साथ ही 20 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। वहीं फिलिस्तीनी सरकार ने कहा कि इजरायल के ड्रोन हमले में 13 नागरिकों की मौत हुई है। सीज फायर करने से इजरायल ने फिर साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि चाहे कितना ही समय लग जाए युद्ध जारी रखेंगे हम। इजरायल हमास की जंग 35 दिनों से जारी है। इन 35 दिनों में इजरायली सेना ने गाजा का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो जिसे उसके बमों ने दहलाया ना हो, और आज भी इजरायल के बम और टैंक गाजा को दहला रहे हैं। हमास के समूह नाश की जो इजरायली सेना ने कसम खाई है उसे पूरा करने के लिए हमास पर IDF ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इन तस्वीरों में देखिए हमास के कई और ठिकानों पर IDF ने छापेमारी की और उसे तबाह कर दिया। स्पेस में चीन ने शोंगजिंग 6E सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर इस लॉन्चिंग की 30 सेकंड्स में। चीन के झोंगशिंग 6E सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ये तस्वीरें जिचांग सैटेलाइट सेंटर की हैं, जहां से झोंगशिंग 6E सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके बाद ये नियोजित ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट का इस्तेमाल किए जाने वाला ये 496वां मिशन है। झारखंड का बोकारो, जहां पर बिजली विभाग के सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट के बाद आग की तस्वीरें सामने आई। इस घटना के बाद इलाके में काफी देर तक बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सब स्टेशन में अचानक आग लगने की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। बताया गया कि आग तकनीकी खराबी की वजह से लगी, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं अब सब स्टेशन की मरम्मती का काम चल रहा है, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो। Z News.